हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप गाड़ी के केबिन को एसी के माध्यम से तुरंत ठंडा कर सकते हैं। आपको पता होगा गर्मी अच्छी खासी पड़ना स्टार्ट हो गई है। हमारे यहां पर जो टेम्परेचर दोस्तों 40 प्लस हो रहा है अभी, और गर्मी के मौसम में तो 48 के करीब टेम्परेचर हो जाता है। चूंकि मैं MP से बिलोंग करता हूँ तो अच्छी खासी गर्मी यहाँ पर पड़ती है और सर्दी भी अच्छी खासी पड़ती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आप गाड़ी को तुरंत किस तरह से ठंडा कर सकते हैं। जैसे कि गाड़ी अभी मेरी धूप में पार्क है, बिल्कुल एकदम खुली धूप में पार्क है और टेम्परेचर करीब 40 डिग्री के करीब हो रहा है। अगर गाड़ी की MID में चेक करें तो 36-38 के करीब टेम्परेचर दिखा रहा होगा, क्योंकि अभी मैं गाड़ी को ड्राइव करके आया। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी का AC बंद किया, गाड़ी को बंद किया, तो गाड़ी का केबिन एकदम से गर्म हो गया। तो अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको अपनी गाड़ी का AC स्टार्ट करना है, कौन कौन सी सेटिंग आपको करनी है। तो सबसे पहले गाड़ी का इंजन करते हैं स्टार्ट। तो इंजन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। तो इंजन स्टार्ट हो गया है, अब हम करेंगे AC को ऑन। अगर आपकी गाड़ी में नॉर्मल AC है तो AC स्विच को दबाइए और ब्लोअर की स्पीड फुल कर दीजिए। यहाँ पर हमारी गाड़ी में ऑटोमेटिक AC है तो हम ऑटो का बटन दबाएंगे और टेम्परेचर को कर देंगे एकदम से लो। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक फैन की स्पीड को हाई पे कर देगा, यानी ब्लोअर की जो स्पीड है दोस्तों ऑटोमेटिक इसने हाई कर दी है। आपको अपने ब्लोअर की स्पीड हाई कर देनी है अगर आपकी गाड़ी में मैनुअल AC है, AC स्विच को दबा देना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है एयर फ्लो डायरेक्शन। हमको एयर फ्लो का जो डायरेक्शन दोस्तों फेस की तरफ नहीं रखना है, आपको रखना है दोस्तों पैरों की तरफ। तो हम इसको कर देते हैं पैरों की तरफ। तो हमने पैरों की तरफ कर दिया। अब मैंने ऐसा इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि गाड़ी के अंदर पहले से गर्म गैसें मौजूद होती हैं जो कि ऊपर की ओर उठती है, और जो ठंडी गैसें होती है तो नीचे की तरफ होती है। तो हमने जैसे ही एयर फ्लो डायरेक्शन को नीचे की तरफ किया तो ठंडी हवा नीचे की तरफ से आने लगी। इसके बाद आपको एक सेटिंग और करनी है, ध्यान रखना है कि जो वेंटिलेशन वाला जो स्विच होता है, हमारी गाड़ी में इस तरह का इलेक्ट्रिक स्विच दिया गया है। अगर आपकी गाड़ी में स्लाइडिंग वाला स्विच दिया गया है तो उसको केबिन की तरफ ही रखना है, बाहर की हवा अंदर नहीं लेनी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप बाहर की हवा लेंगे तो बाहर की हवा होती है बहुत ज़्यादा गर्म, तो गर्म हवा अंदर आएगी तो केबिन को AC जल्दी से ठंडा नहीं कर पाएगा, उसको ठंडा करने में टाइम लगेगा। तो हमेशा जो है केबिन की तरफ रखनी है। अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का इलेक्ट्रिक स्विच दिया गया है तो केबिन की तरफ ही एयर फ्लो का डायरेक्शन रखना है, यानी वेंटिलेशन स्विच का यूज नहीं करना है, आपको केबिन की हवा का ही यूज करना है। थोड़ी देर बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो गाड़ी ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी गाड़ी जब थोड़ी सी ठंडी होने लगे तो आपको एयर फ्लो डायरेक्शन को कर देना है फेस की तरफ। तो अब हम इसको फेस की तरफ कर रहे हैं, मुझे फील होने लगा मेरे पैर ठंडे होने लगे हैं तो हमने कर दिया इसको फेस की तरफ। और जो AC है दोस्तों इसको हम नॉर्मल पे कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको 24 पर सेट करता हूँ, तो 24 पर इसको सेट कर देता हूँ जिससे ब्लोअर की स्पीड भी कम हो जाएगी। आप चाहे तो मैनुअली भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 पर कर दिया, 4 पर कर दिया। ठीक है, और आप भी जो है अगर आपकी गाड़ी का केबिन का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो थोड़ा सा AC का तो थोड़ा सा आप टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, यानी कि जो घुमाने वाला नॉब होता है उसको थोड़ा रेड की तरफ घुमाइए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। और जो आपकी गाड़ी का ब्लोअर है उसकी स्पीड भी आप मीडियम कर दीजिए, 2 या 1 पे ले आइए। उससे क्या होगा दोस्तों आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज देगी, कंप्रेसर ऑन ऑफ होगा जिससे जो है आपकी गाड़ी के इंजन पर लोड भी नहीं पड़ेगा और माइलेज भी अच्छा निकालेगी और गाड़ी में कूलिंग भी केबिन में बनी रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप इंस्टेंट कूलिंग कर सकते हैं, अपनी गाड़ी के केबिन को एकदम से ठंडा कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।